अस्सलाम वालेकुम बेटा, प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर है। मैं एक न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दे रहा हूँ, यह आप करके देखें। इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ एलुमिनियम, या आप इसमें देखें नंबर ऑफ़ एटम दे दिए और नंबर ऑफ़ मोल्स भी दे दिए, 5 ग्राम उसका सब्सटेंस दे दिए एलुमिनियम का। तो यहाँ नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, इसमें एवोगैड्रो नंबर का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। एवोगैड्रो नंबर के अंदर 1 मोल जो उसका सब्सटेंस होता है वो किसके 6.02×10^23 एटम के बराबर होता है, लेकिन अगर 1 मोल वो है तो 27 ग्राम हो तो कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 20 से डिवाइड। अब इसको 1 तो पूरे के बराबर हो गया ना, तो एलुमिनियम का जो है 26.2 एटम्स ऑफ एलुमिनियम हमने निकालना है, तो 1 ग्राम है एलुमिनियम उसमें से निकालेंगे तो 6.02×10^23 को डिवाइड कर देंगे 27 से, तो 5 ग्राम का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो 1 ग्राम का इतना हो जाएगा 6.02×10^23/27, क्योंकि जब आपको बताया था कि 1 मोल जो होता है वो पूरे सब्सटेंस का 1 एवोगैड्रो नंबर होता है। अब वो 27 हो तो 1 एवोगैड्रो नंबर 1 मोल का ही हुआ, तो अगर उसमें से हम 1 ग्राम निकालना चाहें तो 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम के निकलेंगे डिवाइडेड बाई 27 हो जाएंगे, ये 1 ग्राम आ जाएगा। तो अगर हम 5 ग्राम का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो बाय फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, 1.14 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलुमिनियम एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ सब्सटेंस पर एटॉमिक मास। ये फार्मूला आप याद रखें कि नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट का एटम का निकालना हो उसका क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर को मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो इसको हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो नंबर ऑफ क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.02×10^23 और मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 5/27, तो ये हो जाएगा 1.114। तो ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के 1.114 एटम्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ एलुमिनियम निकल आएगा। ये जो 1023 है इसकी ज़रूरत नहीं है, 1.124 इसको छोड़ दें, 1.14 एटम्स ऑफ एलुमिनियम, तो ये आपका 1.114 एटम्स ऑफ एलुमिनियम निकला है, किसका नंबर ऑफ एटम निकला है बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर। तो ये उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी करें। इस तरह की कोई भी चीज़ और निकालनी हो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ एटम निकालने हो और उसका सब्सटेंस दिया हुआ हो तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।